सल्तनत में बदमनी फैली हुई है सरकार। सरकार कई सुबह से काफी समय से लगाम भी नहीं आया, सरकारी नौकरों की संख्या भी बांटी नहीं गई है। उधर सुबह से लगान वसूल कर दिए जाए, मार दी जाए। कई सुबह के सरदारों ने काफी सर भी उठा लिए, इस तरह सल्तनत तबाह हो जाएगी। उसको सरकार कैसे तबाह हो सकती, क्या तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं? क्या तुम्हें नहीं मालूम हमारी सल्तनत नदीब आसमान से बातें करते, पहाड़ों से लेकर मशरक से समंदर साहिल तक सिर्फ हमारा हुक्म चलता है, वजीर आजम इन्ना का हुक्म चलता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? देखिए डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होता हुजूर, पिछले कुछ सालों में सुबह बगावत सहल गई है, बागी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। बागी? अरे बागी कैसे ताकतवर हो गए? हुजूर हमारे खजाने में पैसे जमा नहीं करते और उन्हीं से हथियार खरीद के हमले करते हैं, और हम तो इतने ताकतवर हो चुके हैं हुजूर कि हमारे शहर में भी हमला कर सकते हैं। शहर इन्ना पर इतने सालों से हमारे खिलाफ जंग की तैयारी चल रही थी और तुम खामोश बैठे थे। देखिए आप रहम दिल है सरकार। हम रहम दिल है, हम रहम दिल है, सिर्फ रहम दिलों के लिए, बागियों के लिए नहीं। हमारा हुक्म है बागियों को कुचलने के लिए सरकारी फौजें भेज दी जाए, चाहे खून की नदियों बह जाए पर बागियों को कुचल। फौज के अफसर आगे बढ़ने से इनकार करते हैं जो आपका हुक्म है कि घोड़ों को पेट ना जोर मैं कैसे हमने ऐसा कोई किसी का हुक्म नहीं दिया। जिसका की मां को सरकार आपका हुक्म था घोड़ों को घोड़े से पीटने जुर्म है, इसलिए घोड़ को मारने के नए तरीके इजाद कर देंगे। फौजें आगे बढ़ पाई सरकार, उन्होंने हर उस आदमी का कत्ल कर दिया है जिस पर बागी होने का शक था, हर छोटे बड़े शहरों के भी कब्जा कर दिया गया, लाखों की तादाद में गुलाम भी हासिल हो गए हमारे पास और ढेरों सोना चांदी इकट्ठा हो चुका है, जिसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। जिसका की मांग है सरकार, हम जानते थे कि लोगों को जूते दिया जाने का मतलब मौके पे जूते ही मिलना, रियाया का इखलास गिर जाता है और हमने हर उस किसानों का भी लगान माफ कर दिया हुजूर जिनके पास उनकी जमीनें नहीं थी, और आवाम की सेहत का ख्याल रखने की गरज से जो महकमा बनाया गया था उसने उन लाखों लोगों पर जुर्माना किया जो सड़ी भूसी चीजें खाते थे। बड़े रहम दिल है सरकार, आपका हुक्म था कि चिड़िया खाने के दरवाजे खोल दिए जाए, अगर आपकी इस बात पर अमल कर लिया जाता तो इसका अंजाम यही होता हुजूर कि आपकी नींद हराम हो जाती, चिड़िया महल के दरवाजे की इस कदर चहचहाती कि सुबह आप देर तक आराम नहीं फरमा सकते थे हुजूर, और देर रात तक सल्तनत का काम करने के बाद अगर सुबह देर तक नाश हो जाए हुजूर तो नींद पूरी नहीं।